नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से आपकी संगीता भी बिल्कुल मस्त है और स्वस्थ है। तो माँ बेटिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के झाड़ू के साथ। जी हाँ, तो मैंने झाड़ू नीचे में लगा लिया, बस छत पे आ गई हूँ छत पे, क्योंकि हमें चूल्हे की सफाई करनी हो ना करनी हो, लेकिन मैं छत पे ना प्रतिदिन झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि हमारा जो नियम है ना, हम अपने नियम से हिसाब चलेंगे, मेरा घर साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छे से रहेगा। तो खाना मतलब छत पे ये नहीं है कि छत पे जब चूल्हा पर खाना बने तभी झाड़ू लगाती हूँ मैं, मेरा डेली का नियम है, अगर नहीं बनता है ना तब भी मैं छत पे झाड़ू ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर रात को मैंने बनाए थे खाने, तो फिर बस चूल्हे की पुताई करने आ गई थी मैं यहाँ पर। तो बहुत लोग सोचते होंगे ना, मतलब वीडियो में कुछ नहीं, बस यही झाड़ू पोछे और खाना, बस यही है, तो मैं क्या करूं। और सर्दी का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाता है, हमें क्या मतलब बेटी को प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहला मेरा काम जो होता है ना, मैं मेरे को बेटी को देखना होता है, फिर उसके बाद ये काम होता है। जान तो एक मानत तब हार जाती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है। मैं सारे सब कुछ काम कर लेती हूँ, सब कुछ जितना जो करूँगे ना, दिन भर आप करवा लो काम मेरे से, मैं कर लूँगी। लेकिन जब मेरी बेटी बीमार होती है ना, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बस अगर मैं वीडियो भी नहीं डालती हूँ, बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वीडियो जो भी है वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और डेली वीडियो डालते रहिए। तो बस थोड़ा सा जो टाइम मिलता है ना, तो बस यही सब क्लिप रिकॉर्ड करके मैं आप सभी के साथ ना शेयर करती हूँ। और ये जब तक सर्दियाँ रहेंगी ना, तब तक बेटी की तबीयत ना खराब ही सी रहती है, तो मैं उसको कहीं बाहर लेकर जा भी नहीं सकती कि मैं आपको कुछ दिखाऊं या कुछ। और कहीं भी बहुत ही मौसम आप लोग देख ही रहे होंगे कि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कोहरे इतने हैं, हवाएं चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों के लिए ना बहुत ही बेकार वाले ये मौसम है। तो जिस कारण मैं ना उसको कहीं लेकर के नहीं निकलती हूँ, तो बस कुछ दिन और थोड़े से, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ भाभी के साथ, मतलब आ गई मैं बथुआ लेने के लिए, यहाँ पर खेत में बथुआ धनिया वगैरह ये सब लेने के लिए आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी जेठानी जी, और कैमरे थोड़ा फेस को ना ढक ली थी फ़ोन से, तो अभी आप सभी को आगे मिलवाती हूँ, देखिए। और जानते हैं आप लोग, जब मैं गांव गई थी अभी ना एक हफ्ते पहले, तो मैं घर गई थी बस छोटी को सिर्फ ना एक रूम में लेकर के रहती थी, और बाकी ना कहीं जाना ना आना कुछ भी नहीं करी मैं, समझ ली। और ना ही बेचारी कुछ भी इंजॉय भी नहीं करी कि हम नानी के घर गए, मौसी के घर गए, कुछ भी इंजॉय भी नहीं करी। हेलो गाइस, ये है सोनू घर वाले। मैं डालूंगी, देख लेना, ये तो पक्का डालूंगी। कह रही हूँ डालूंगी, देखना मैं डालूंगी इसको, म्यूट नहीं करूंगी। अब भैया भी देखता है मेरा, चलो। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मेरी ये जेठानी जी हैं, सबसे बड़ी जेठानी है। तो यहाँ पर हम लोग तीन लोग रहते हैं, मैंने आप सभी को बताया था, और बहुत लोगों ने बोला था कि आप उनके साथ वीडियो क्यों नहीं बताए, बनाया कीजिए। तो जानते हैं बस हमें होता है ना कि मतलब किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हर सबको पसंद नहीं होता ना, हर चीज़ें पसंद नहीं आती है ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं रिकॉर्ड ही करती हूँ थोड़ी सी भाभी की, तो भाभी भी आने को तैयार हो गई थी, तो मैंने बस इनका भी क्लिप थोड़ा सा बना लिया। और यहाँ पर हमने खूब सारी मस्ती भी करी, और थोड़े से इनके साथ ने ब्लॉग भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और ये आपको जो बाड़ा दिख रहा है ना, छोटा सा नहीं, मतलब बहुत बड़ा सा है यार। और इसमें आपको ना सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी सब्जियां मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो, चने हैं, पालक है, बथुआ है, सोवा है, अमरूद का पेड़ है, और क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेथी दिखाते हुए। देखिए मेरी जेठानी जी हैं, और मेरे लिए ना बथुआ निकाल रही हैं, चने का साग निकाल रही हैं, सब कुछ, और मैं बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो भगवान ऐसे जेठानी ने सभी को दे। हाँ हाँ, कर रही है। और ये देखिए सबसे खतरनाक वाली भाभी जी हैं ये। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली भाभी जी हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? क्या करें?
बोलिए तो अच्छा है। भाभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाभी से पूछना चाहते हो आप कुछ कहना चाहेंगे चैनल के बारे में? मैम नो, हम कुछ नहीं पूछना चाहते, लेकिन आपका चैनल बहुत ही अच्छा है। अच्छा थैंक यू। और यहाँ पर हम लोग ना थोड़ा सा पिक्चर निकलवा रहे थे, क्लिक करवा रहे थे, और यहाँ पे देखिए हमारी बिंदी ना छोटी निकाल दी थी, निकाल करके फेंक दी थी, और इसलिए मैं थंबनेल मतलब बना रही थी ताकि ये ना हमारे फ़ोन में हमेशा के लिए कैद हो जाए, क्योंकि हम आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना एक यादें रह जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसको भी कैद कर लिया। और बस मैं यहाँ पर आ गई छत पर, और यहाँ पर बनाने वाली हूँ मटर का निमोना, तो आप सभी के साथ शेयर करनी हूँ मटर का निमोना कैसे बनाते थे। यहाँ पर मैंने मटर ले लिया था, छिल के धुल लिया था, और बस उसको ना पीस ली थी मैं, और बस दो आलू ले लिए थे और उसको बड़े साइज में थोड़ा कट कर लिया था। तो आज मैं चूल्हे पे बनाऊंगी मटर का निमोना। तो यहाँ पे मैंने आग जला लिया, तो कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया अच्छे से ना, तो यहाँ पे मैं जीरा डाल दूंगी, तो बस जीरा मेरा अच्छे से पक जाएगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आग लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आग ना उपली वगैरह नहीं थे ना, तो आग ना भुज जा रही थी सिर्फ लकड़ी के सहारे, तो पहले आग को अच्छे से जलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो मेरे को ना कढ़ाई में ही, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ यहाँ पर, तो लोहे की कढ़ाई में हमें सब्ज़ी बनाना ना बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ ही साथ जब लोहे की कढ़ाई में खाना भी हो जाए गर्मा गर्म, तो और ही मज़े आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे हो गए थे, आग भी अच्छे से जल गया था सारा, तो फिर जो मटर हमने पीस रखा था ना, तो इसको अच्छे तरीके से भुनना है हमें, इसको चलाते हुए ना अच्छे तरीके से भुनेंगे, क्योंकि अगर छोड़ देंगे ना तो फिर अंदर हो सकता है पकड़ लेगा, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से चलाते हुए भुनेंगे। और इसमें साथ ही मैं ना डाल दूंगी, मैं जो मैंने आलू काटे थे वो भी डाल दूंगी, और थोड़ा आलू को ना बड़े ही साइज़ में रखना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ ना यहाँ पर मेरा आलू भी इसी में भुन जाता है, और इससे ना बहुत सौंधी। और यहाँ पर जब तक मेरा मटर और आलू ना हल्का सा भुनता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर मसाले तैयार करूँगी। मसाले मैंने ली थी लहसुन ली थी, और हरी धनिया ले ली थी, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले ली थी, और हरी मिर्च ले लेंगे अपने जैसा, और तीखा वगैरह आप खाते हो तो बस इन लोग ये सब को सिलबट्टे में पीस लूँगी, चाहे तो आप मिक्सर वगैरह में पीस लेते हैं, लेकिन हमें ना ज़्यादातर सिलबट्टे ही पसंद आते हैं, तो बस अपना मैं सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ, साथ साथ में इसको ना चलाते रहूँगी। तो ये अच्छे से देखो भुन गया है ना, फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, ताकि अंदर ही लगे ना, और पक भी गया है, तो बस मेरा मसाला भी पीस के हो गया है तैयार। यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, जैसे मेरी बेटी थोड़ी ठीक हो जाती है ना, तो मैं आप सभी के लिए ना अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर के आऊँगी, क्योंकि मौसम भी सही हो जाएगा ना, तो हम कहीं जाना आना भी कर सकते हैं, क्योंकि तो मौसम इतना बेकार है, मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ उसको लेकर के, सिर्फ रूम में ही बंद रहती हूँ, समझ लीजिए एक रूम में पैक करके रखी रहती हूँ, बस कभी थोड़ा सा दो चार मिनट के लिए बाहर गेट के सामने बस घुमा लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये मौसम ना उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो बस अभी दवाइयाँ वगैरह मैं दिला दी, वो सो रही, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो की अपनी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो भी नहीं जाता है ना, तो बहुत ही चैनल ना बहुत ही बेकार सा हो जाता है, और वैसे भी कोई भी पूरी वीडियो तो देखता नहीं, बस आधा ही देख लेता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी बस थोड़ा सा मैं आपसे फिर से बोलूँ, जैसे मौसम सुधर जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा ना, धूप हो जाएगी अच्छी वाली, तो फिर मैं आप सभी के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी, और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ब्लॉग बनाऊँगी। भाभी भी लोग हो गई जैसे ना, तो मैं उन लोग के साथ भी अगर आना चाहेंगे ना, तो उनके साथ भी मैं वीडियो बनाऊँगी, आप सभी के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखो मेरा हो गया था ना, फिर इसमें अच्छे से पानी डाल दिया था, पक गया था मसाला भी रेडी हो गया था, फिर यहाँ पर हो गया था हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, और देखो मेरी छोटी भी आ गई ना, तो इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया, और ये लड़की ना बिल्कुल भी नहीं रह रही, मतलब मेरे को बिल्कुल तो छोड़ती ही नहीं, और मेरे एक हाथ इतना फटने लगे हैं ना, मैं समझ लिया कम से कम 10-11 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि घर गई थी तो बच्चे नए जगह तो वैसे भी परेशान करते हैं, बिल्कुल नहीं सोती थी, और मैं इसको इतना पैक करके रखी रहती हूँ ना, समझ लीजिए डबल ट्रिपल पैजामे डाल देती हूँ, अंदर बहुत सारे कपड़े जैकेट वगैरह रखा रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से इन्हें ठंड लगी जाती है। और यहाँ पर मेरे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, जूस तैयार हो गया है, तो बस छोटी आ गई थी तो रोटी नहीं बनाने दी थी ऊपर ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी थी, तो ये मैं आ गई हूँ शाम के कम से कम 8:30 के लगभग है, क्योंकि मेरा सब्जी तो बन गया था 6:30 तक बन गया था, लेकिन इतना परेशान करने लगी थी कि मेरा खाना नहीं बन पा रहा था, जब वो सो गई ना, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और मैं गर्मा गर्म सबको दे दूँ खाने के लिए, छोटे बच्चे ना तो नहीं हो पाता है, बस क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करिए, अगर मेरे वीडियो पे कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब को कुछ अच्छी नहीं लगती है कुछ, तो आप कमेंट करने का आप सभी का पूरा हक है, आप कमेंट कीजिए, बट तो हो सकता है मैं आप सभी के कमेंट से कुछ सीख पाऊँ, क्योंकि कोई कुछ कमेंट नहीं करता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं, कुछ भी कोई कमेंट ही नहीं करता है, बस 2-4 कमेंट आते हैं बस, नहीं तो किसी के भी कमेंट नहीं आते।
और यहाँ पे देखो मैंने सब्जी वगैरह अपना सारा हो गया है मेरा खाना। यहाँ पे छोटी के लिए भी मैंने दलिया वगैरह छत पर से आकर के ना बना ली थी और उसको खिला दी थी थोड़ी सी। वो मेरी बेटी कम से कम ना 10 दिन से कुछ भी खाना पीना नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं। तो अभी थोड़ी सी, पूरा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ी ठीक ठीक ठाक है। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी जल्द ही स्वस्थ और मस्त हो जाए, बहुत ही अच्छी हो जाए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा किसी चीज़ में बिल्कुल मन भी नहीं, मैं काम तो करती हूँ लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये पे वीडियो करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी समस्या को समझे होंगे और मेरा फुल सपोर्ट करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें।